to Time News Studios. You are watching 9 p.m. Bulletin. हमें कोई स्पेशल पैकेज नहीं चाहिए, हमें अपना हक चाहिए, हमें अपना हक दो। मेरा शौक था तो टीवी पे आके अपना ही हुकूमत के खिलाफ बोलना, मेरा शौक था इस्तीफा देना। अब वक्त है इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, फैसला करो। ये आप चंदोपालों के अवाम के साथ है, ये आप वजीर के अवाम के साथ है, ये आप कठपुतली के साथ हो। अपना वजारत के लिए इनका हक से सौदाबाजी ना करे। जब हम कहते हैं सिंध के अवाम टूट रहे हैं, आए मदद करो, वो कहते हैं कि हम इनको 300 रुपया भी नहीं देंगे। ये इनका बाप का पैसा है, ये बदीन के अवाम का पैसा है। आपको बदीन के अवाम को उनका हक देना पड़ेगा, वरना हम इस्लामाबाद का रास्ता जानते हैं और आप पहुंच के आपसे ठीक करेंगे। यहाँ के अवाम, टंडो भागों के अवाम मीडिया के थ्रू अपना चीफ जस्टिस से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जो यहाँ का अवाम का पैसा है, जो सिंध का अवाम का पैसा है, वो हमें दो। आपको इनका हक देना पड़ेगा। अब कब तक यहाँ के अवाम के साथ ये सिर्फ सोते ना फिर सलूक जारी रखेंगे? हम अब इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। बोर्ड आए बरसात मुतासन लाए वफाक तरफा एक रुपयो भी ना मिलो, सिंध के हक न मिलिया तो असा के इस्लामाबाद जो रस्तो डिठल है, इस्लामाबाद अची पैंजा हक खसे वी। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी पीटीआई सरकार के खबरदार कर छो। टंडो बागो में मेड़ाके के खिताब कदे बिलावल तो इमरान खान सिंध के बरसात मुतासन की मदद करण तो पर हमदर्दी जो इजहार भी ना कर। सिंध जो अवाम बुढ़ी पो पर वफाकी वजीर चवन पाया तो 300 रुपया भी नींदी। वफाकी सरकार नाकाम की चुकी है। बिलावल बदीन के सिलेक्टेड वजीर तक के अवाम ला कुछ ना कर। पीपी चेयरमैन वफाकी हुकूमत का सिंध में जरिए एमरजेंसी लगने का मुतालबो कदे बरसात बोर्ड सबब फसल तबाह थी व्यान। सुप्रीम कोर्ट के अपील है तो सिंध जो पैसो सूबे के अवाम के दिनों वे हाँ माटली माँ वो सलूक बर्दाश्त न किया वो। लाहौर के गुजरपुरा वे इलाके में औरत के बारन आरो लजालो जो निशानो बनाईद वैशी जवाबदार कानून की पकड़ में न अची सकया। पंजाब के वे वजीर पारा जोड़ियल त्रिरुक्नी कमेटी पारा वाके वे हंध जो दौरो। पंजाब के कानून वे वजीर राजा बिशारत लाहौर मोटरवे ज्यादती वाके के अंधी वारदात करार दींदे है तो ये अड़ो वाक्य है जिनों को सबूत को जैसी बुनियाद से अगते वधजे। ये केस पंजाब हुकूमत लाहौर पुलिस ला चैलेंज है। राजा बिशारत चयो तो मुतासिर औरत जा डीएनए जिदा वरता व्यान। वाके वे हंध तां शाहिदियों फॉरेंसिक लाए मोकली वो हैं। सीसीपीओ के बयान से राजा बिशारत चयो तो संदस बयान नामुनासिब हो। आईजी पंजाब इनाम गनी बे वाके वे हंध जो दौरो कयो। आईजी चयो है तो औरत सां लजा लुट वारो वाक्यो पुलिस लाए टेस्ट केस है। हाने मोटरवे से जो भी वाक्यो पेश इंदो उनकी जिम्मेवार पुलिस होंगी। सीसीपीओ के नामुनासिब बयान न दियण घुर्जे। हा लाहौर मोटरवे वाके में पुलिस ए कानून लागू कदड़ इदारन बेले में औरत का पुर थियल मुंडी ए घड़ी हथ कर वरती। वाके वे हंध वट हथ आयल शयन में जांच में अगभराई की उम्मीद। जियो फेंसिंग जरिए भी जवाबदारन की गोला जारी। अगोड़े वजीर आजम नवाज शरीफ पारा भी वाके की मजम्मत जवाबदारन की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबो। जारी कल बयान में नवाज शरीफ चयो तो ये वाक्यो असल में मुआशरे ए पूरी रियासत की बेहुरमती जो सानियो है। इंसाफ मिलने ताईं पूरो रियासती निज़ाम मासूम बारन ए संदन मां आडो डोही आहे। हमने ये फैसला स्कूलों पर छोड़ा है कि आप अपने हालात के मुताबिक बच्चों को क्लास में बिठाएं, लेकिन इस बात को यकीनी बनाएं कि वो फासले पर एक बेंच पर एक बच्चा बैठेगा और अगर वो सेपरेट उनकी चेयर है या सिटिंग है तो उसके अंदर भी फासला होगा। अच्छा खासा हफ्ते का उन्हें छुट्टी ख़त्म कर दी है तो 6 दिन स्कूल खुलेगा, उससे ये होगा कि 3 दिन बच्चे स्कूल जाएंगे। मिसाल के तौर पर अगर पीर से शुरू होता है तो जो पीर को जाएंगे उनकी मंगल को छुट्टी होगी, वो बुध को जाएंगे, फिर उनकी जुमेरात को छुट्टी होगी, फिर वो जुमे को जाएंगे। 7 अप्रैल से लेकर 17 अप्रैल तक 2021 एग्जाम्स हम कराएंगे। 9वीं और 10वीं जमात के 11वीं और 12वीं के एग्जाम्स होंगे अगले साल। वो 18 मई से लेके 29 मई 2021 के दरमियान में हम वो एग्ज़ाम्स इनके ले लेंगे।
छुट्टियाँ जो हैं गर्मी की अगले साल की, इस साल तो हमने ख़त्म कर दी हैं। मौसम सरमा की छुट्टियाँ नहीं होंगी इस मरतबा, तो हमने ख़त्म कर दी हैं। हफ्ते की छुट्टी हमने ख़त्म कर दी है ताकि जो वक्त आया हुआ है उसको किसी तरह से कैच कर सकें। वो 6 सितंबर 2021 को रिजल्ट अनाउंस होगा जो 11वीं और 12वीं जमात का है। 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं की जो क्लासेस शुरू होंगी वो 2 अगस्त 2021। हलंदड़ साल सियारे जो मोकलूं न थींदियूं, ईंदड़ साल गर्मी जो मोकलूं रुगो जुलाई महीने में थींदियूं। छंछर वारी मोकल भी खत्म कई वई आहे। सिंध के तालीम वारे वजीर सईद गनी चयो आहे त 15 सितंबर का SOPs तहत तालीमी इदारा मरहलेवार खोले रहा आहियूं। एक ॾींहुं हिकु क्लास ऐं ॿिए ॾींहुं ॿिए क्लास खे पढ़ायो वेंदो। हिकु बेंच ते हिकु शागिर्द वेहंदो। हुकूमत सां गॾु वालदेन, स्कूल्स, इंतिज़ामिया, ट्रांसपोर्टर्स SOPs ते अमल दरामद कराइनि। सईद गनी चयो त कोरोना वायरस घटि थियो आहे, ख़तम न आहे थियो, वायरस ॿीहर पकड़जी सघे थो। नैब खंड स्कैंडल की जांच लाए गड़ियल जांच टीम जोड़े वरती। CIT के मेंबर्स में ब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स, माली माहिर, लीगल कंसल्टेंट और फॉरेंसिक माहिरन सूधो बया शामिल। नैब की पधराई में चयो है तो खंड स्कैंडल बाबत जांच की निगरानी DG नैब रावलपिंडी इरफान मंगी कंदो। जांच रिपोर्ट जो माहवार जायजो वठण जो भी फैसलो। नैब तर्जुमान जो चवण है तो CIT समूरन सूबन में खंड से डिनल सब्सिडी जो रिकॉर्ड हासिल कर सकती। समूरन वागियल धुरन के पंजी सफाई में गालहाण जो मौको दिनो वो। हर उन मानू खिलाफ कार्रवाई कई वेंदी जै गैर कानूनी तौर सब्सिडी डिनी या वरती। गडियल मफादन वारी काउंसिल के करे सजो कम रुकियल है। उ मानू आदमशुमारी जा नतीजा दबाए वेठा। सिंध हाई कोर्ट तरफा आदमशुमारी के नतीजन जो नोटिफिकेशन जारी न थियण ते कावड़ जो इजहार। बुधनी दौरान जस्टिस मोहम्मद अली मजहर रिमार्क्स ने चयो है तो आदमशुमारी जा हतमी नतीजा जारी न थियण सबब मकानी चूंडू रुकियल हैं, तो रुकियल हुजन। इलेक्शन कमीशन के स्पेशल सेक्रेटरी चयो तो नए तकबंदन लाए आदमशुमारी के नतीजन जो ऐलान थियण जरूरी है। वजीर आजम ए कौमी असेंबली सूधो बेन वागियल इदारन के खत लिखा। नतीजन जो ऐलान तो थो पर नोटिफिकेशन अजा तीन जारी न किया वो है। अदालत CCI इजलास आदमशुमारी के नतीजन बाबत रिपोर्ट तलब करने चयो है तो बुधाया वे CCI के हतमी नतीजा जारी करण ला केतरो वक्त घुर्बल होंदो आहे। कणक सूबा इस्तेमाल कंदा त सब्सिडी भी सूबाई हुकूमतूं ॾियन। वफाकी सरकार तरफ़ां परॾेह मां कणक घुराइण ते ॾिनल सब्सिडी सूबनि खां वापसि वठण जो फ़ैसिलो। ज़रियनि मूजिबि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जी सदारत हेठि अहम इजलास दौरान कणक जा मुनासिब अघ तय करण लाइ कमेटी जोड़ी वई। इजलास में फ़ैसिलो कयो वियो आहे त ॿाहिरां घुरायल कणक जी ट्रांसपोर्ट सूधो ॿिया ख़र्च बि सूबाई हुकूमतूं अदा कंदियूं। वफाकी सरकार पंहिंजे फ़ैसिले खां सूबनि खे आगाह करे छॾियो। सिंध हुकूमत कोरोना ऐं बरसात मुतासिरनि में रोक रक़म विरिहाइण जो फ़ैसिलो करे वरितो। चीफ सेक्रेटरी मुमताज़ शाह जी सदारत हेठि इजलास में बरसात मुतासिर ज़िलनि में मुतासिरनि जा अंग अखर गॾु करण लाइ कमेटी क़ाइमु। कमेटी खे 3 ॾींहनि अंदरि DCs खां अंग अखर वठी रिपोर्ट पेश करण जी हिदायत। इजलास में ब्रीफिंग दौरान ॿुधायो वियो त नादरा BISP ऐं पोलियो वर्कर्स जे रजिस्टर ज़रिए डेटा हासिल कई पई वञे। चीफ सेक्रेटरी मुमताज़ शाह चयो आहे त बजट में मुआशरती तहफ़ुज़ लाइ 34 अरब रुपया रखिया विया आहिनि। सिंध बैंक ज़रिए स्मॉल इंडस्ट्रीज़ जी बहाली लाइ आसान किस्तनि ते कर्ज़ा ॾिना वेंदा। बजट में चांवरनि जी पोखी बहितर बणाइणु, भाण जी फ्राहमी ऐं ज़रई दवाऊं ॾियण लाइ 1-1 अरब रुपियनि जा फंड्स रखिया विया आहिनि। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा सां अमेरिकी सेंटकॉम जे कमांडर जनरल केंट मैकेंजी जी मुलाक़ात। जियो स्ट्रेटेजिक सूरतहाल, पाक अमेरिका अस्करी सहकार ऐं अफ़गान अमन अमल ते ख़्यालनि जी ॾेवट। ISPR मौजूदु मुलाक़ात दौरान वालारल कश्मीर जे हवाले सां बि ॻाल्हियूं कयूं वयूं। शादी लाजभर सां हिया उॾारींदड़ वाकियो। घोट मोहबत खान खोसो जा 4 ॿारड़ा ढोरो पुराण में ॿुढी फौत थी विया। फौतुनि में 3 सालनि जी नींगरी कमली, 6 सालनि जी नींगरी माहौल, 5 सालनि जो लाल चंद ऐं 4 सालनि जो टीकम कोल्ही शामिल। वारसनि मूजिबि हिकु नींगर पेर तिरकण सबबि ढोरे में किरी पियो त ॿियनि खेस बचाइण लाइ टपो ॾिनो ऐं पोइ 4 ई ॿार ॿुढी फौत थी विया। 2 सगनि भाइरनि सूधो फौती ॿारनि जा लाश कढे सिहत मर्कज़ पहुचाया विया। वारसनि में कोहराम मची वियो।
घोटकी के इलाके सरहद भरसा नींगर सूधो चार जणा मुबैना तौर अगवा साहिब मीरानी कुर्बान अली बहादुर अली नींगर मिकदाद अली मीरानी सूफी बुजुर्ग अनवर अली शाह के मेले से घुमण वया तो धाड़िलन मुबैना तौर के अगवा कर छो सरहद थाने से चैन जणन के अगवा जो केस दाखिल मुगविन के वारसन है तो लगातार कोशिश कर बावजूद चैनी मुगविन से राबो ना सको संदन मोबाइल फोन बंद पुलिस का मुगविन की बाजियाबी ला फौरी कार्रवाई कर मुतालबो हमारे माशरे के कुछ करप्ट अनासर और पुलिस में शामिल काली भीड़ें जिनको औरत का एक बाइज्जत मकाम पर फाइज होना काबिल कबूल ही नहीं है। ये अनासर मुख्तलिफ तरीकों से मुझे हरासा करने की कोशिश कर रहे हैं और मुझे कह रहे हैं कि पुलिस की नौकरी छोड़ दो वरना हम सोशल मीडिया पे तुमको इतना हाईलाइट करेंगे कि तुम खुद इस्तीफा देने पर मजबूर हो जाओगे। मैंने इन तमाम अनासर और पुलिस में शामिल काली भीड़ों के खिलाफ कंप्लेन कर दी है अपने अफसराने वाला को और साइबर क्राइम में। मैं यहाँ पर सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि ये जंग मेरी अकेले की जंग नहीं है, मेरी तमाम उन माओ बहनों और बेटियों की जंग है जो कि अपने घरों से एक बार बावकार नौकरी के लिए बाहर निकल गई। सिंध पुलिस की औरत इंस्पेक्टर गजाला पंजे ही ऑफिसर्स पारा खेस मुबैना तौर हिरासा करने खिलाफ FIA में दरख्वास्त दाखिल कराई छी। गजाला वीडियो बयान में दायो है तो पुलिस में शामिल कारियों डिडू मुख्य हिरासा कर रही हैं धमकियों डिनों पे वन त नौकरी छड़े दे न तो सोशल मीडिया से मुहिम हलाइंदी तो तू पान इस्तीफा देने से मजबूर थी वे। इंस्पेक्टर गजाला वीडियो बयान में है तो ही रुगो मुझी न पर घर निकरी नौकरी कदड़ हर औरत की जंग है। जामशोरो में बेदर्दी से कत्ल थियल वजीरा छछर के केस में अहम अकभराई सजावल पुलिस गोठ वडा छछर भरसा कार्रवाई दौरान पुलिस अहलकार अमजद अली छछर के गिरफ्तार कर वरतो। दरियन जो चवण है तो सजावल पुलिस तरफा गिरफ्तार कल अहलकार के अणजातल हंध मुंतकिल वो अना तीन संदस गिरफ्तारी भी जाहिर न थी है। सिंध यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर अब्दुल रजाक छछर है तो पुलिस संदस भा के जाहिर न कर तो अदालत से राबो किया। SSP जामशोरो पुलिस के छापन और गिरफ्तार का लातालुकी जाहिर कर छी। अमजद परवेज चवण है तो सजावल पुलिस कार्रवाई करण का अगु केस आगाह जरूरी करे हा। जरियन चवण है तो वजीरा छछर कतल केस की DNA टेस्ट मैच देने के हवाले से गोठ वडा छछर में गिरफ्तारियों कई में वाहन डॉक्टर माहा की कबरकुशाई से को भी एतराज़ ना है। कराची की मकामी अदालत डॉक्टर माहा की कबरकुशाई और बीहर पोस्टमार्टम वाली दरख्वास्त मंजूर कर वरती। लिखित में फैसलो जारी फैसले में चयो है तो कानून मूजिब अदालत जांच में मुदाखलत नथी कर सके। डॉक्टर माहा की कबरकुशाई और पोस्टमार्टम कानून मूजिब किया वे दरख्वास्त में पुलिस मौके पर इख्तियार किया तो डॉक्टर माहा के खाबे पास का मथे में गोली लगी और साजे पास का पार थी वही। फरियादी की दरख्वास्त है तो डॉक्टर गलत रिपोर्ट दिनी है संदस मौकफ़ की तस्दीक लाए डॉक्टर माहा की कबरकुशाई पोस्टमार्टम और तिबी मुआइनो किया वो। गंबट भरसा मदरसे में खिताबी नींगर से तशद्दुद कंदड़ मौलवी सोघो SSP खैरपुर तरफा नोटिस वठण बाद पुलिस मौलवी अब्दुल गनी के गिरफ्तार कर वरतो। गोठ रेडर लाशारी के मदरसे अंदर सबक याद न करण ता मौलवी मासूम खिताबी से तशद्दुद कयो। वीडियो में मौलवी के तशद्दुद दौरान नींगर उब डारींदड़ रड़ियों कंदे नजर अची रो है। इलाके वासन का चवण है तो मौलवी अब्दुल गनी हुजण रोजानो बारन मथा तशद्दुद कंदो आहे। नींगर के वारसन तरफा मौलवी खिलाफ सख्त कार्रवाई जो मुतालबो। भारत लड़े वयल ब हिंदू खानदान बेरोजगारी ए शहरन सा रियासती जुल्म खां तंग अची सिंध वापस अची व्या। 14 भातिन की वापसी ते DC कॉम्प्लेक्स मीरपुर माथेलो में सदन शानदार आजियां कई वई। मीरपुर माथेलो वासी बई खानदान 2 साल अग भारत लड़े व्या हुआ
वापस आयल घर बातिन सिंध की धरती के चुमी उन खुशी जो इजहार कर खैरपुर वेझो घोट वारिस गंभीर में जवाबदार कारें इल्ज़ाम हेठ मुबैना तौर पर भाइटी गुलजार खातून के कतल कर छो गोलियों लगन सबब नौजवान शाहिद फुलपोटो भी जख्मी पुलिस जवाबदार अली मुराद मीर बहर के गिरफ्तार कर वरतो सिंधु दरिया में बोट के वैकरण में लात जारी गुडू बैराज वट सिंधु जो मथां वकरो 4,26,000 हेठां वकरो 3,95,000 648 क्यूसिक रिकॉर्ड सखर वट सिंधु दरिया में मथां वकरो 4,99,550 हेठां वकरो 4,46,500 क्यूसिक रिकॉर्ड कोठड़ी बैराज वट दरियाई वकरण में वाद जारी मथां वकरो 2,13,565 हेठां वकरो 2,06,518 क्यूसिक रिकॉर्ड सिंधु में चाड़ बाद किंगरी ताल के जो कचो मुकम्मल तौर बुड़ी वो कच्चे में 100 का वधीक गोट दरियाई पानी हेठ अचन बाद गोठानन तरफा घर खाली करे पक्के डां मुंतकिल थियण जो सिलसिलो जारी पीर गोट भरसा बेड़ी ऊंदी थियण वारो अफसोसनाक वाक्य पेश अचन बावजूद इंतजामिया कच्चे वासिन के बेड़ियों मुहैया न कयों कच्चे वासिन में खौफ की लहर नवाब अली मोहम्मद भरसा कच्चे जा 20 गोट पानी हेठ अची व्या दरियाई पानी 500 एकड़ का वधीक एराजी ते पोखियल वोण ग्वार बसर बिया फसल भी बोड़े छड़ा इंतजामिया तरफा पार न वठण सबब कच्चे वासी पंजी मदद पार तहत पक्के डां मुंतकिल थियण लगा दादू जिले में कच्चे जा 15 का वधीक गोट पानी हेठ अची व्या इंतजामिया तरफा मदद न करण सबब कच्चे वासी पंजी मदद पार तहत पक्के ते मुंतकिल थियण लगा केतरा ही खानदान कच्चे में फाथल दादू मोरो पुल ते दरियाई वाकरण में चाड़ बाद मुंदर शहर के पानी जो घेरो एलएस बंद ते चाड़ बाद पंपिंग स्कीम जा दर लुड़ी व्या आपाशी अमले तरफा बंद के दरन के मिट्टी से भरण जो कम जारी धारूशाह भरसा जमींदारी बचा बंद के घारो पवण के नतीजे में 5 गोट पानी हेठ अची व्या पानी गोट गुलाम नबी सहतो करीम बख्श सहतो अब्दुल मजीद सहतो गोट मीरल पंवर में घर अंदर दाखिल समय एकड़न से बीठल फसल भी बुड़ी वो गड़ी खैरो भरसा सिम शाह के लगल 3 घारा 17 डी गुजरण बावजूद बंद न थे सिम शाह के गोठ रेहान जमाली वट लगल 70 फुट ए गोठ उम्मीद अली जुड़े जो वट 100 फुट के बिन घारन जा हाँ जारी आबाशी खाते इंतजामिया में तकरार सबब गोठन मां पानी निकाल न कयो वयो एसडीओ इरीगेशन चयो है तो पानी निकाल कराइण इंतजामिया जो कम है जैसे इंतजामिया पानी निकाल न थी करे तो असा छा था करे सकूं आबाशी अमलो सिम शाह के लगल घारा बदन में भी नाकाम नवकोट भरसा एलबीओडी के लगल ब घारा बदजी न सकया आबाशी अमलो सिम नाले के आरडी 286 वट लगल 150 फुट आरडी 287 वट लगल 300 फुट घारा बंद करण में नाकाम नवकोट के चैन का वधीक कॉलोनीज थर के बेराजी इलाकन में 50 का वधीक गोठन मां पानी निकाल न थियण सबब केतरा ही घर तबाह मुख रोड पानी हेठ अचण सबब उमरकोट कुंडरी विच में ट्रैफिक बिन डीह का मुअत्तल उमरकोट में बरसात घारन सबब घर तबाह थियण बाद दरबदरी जहाँ डीह घारींदड़ मुतासन जो सबर जवाब दई वो मुतासन अलावाला चौक से धरणो हणी रोड ब्लॉक कर छो धरणे सबब कराची हैदराबाद मेपोखास सामारो वींदड़ गाड़ियों केतरी देर तई बीठल रो मुतासन दायो है तो एक पास संदन घर में अना तई पानी निकाल न थो है बे पास खेमन में तरसल मांग के भी राशन पीण के पानी सूदो बुनियादी सहूलतूँ न पी डी वन मुतासन तरफा रेस्क्यू ए रिलीफ ऑपरेशन शुरू न थियण से बीहर धरणो हणण जो चिता 9/11 वाक़े के 19 साल थी वया न्यूयॉर्क के ग्राउंड जीरो से कौमी यादगारी तकरीब दौरान अमेरिकी क्यादत पारा साने में जानू विञाईंदड़न के भेटा पेश वॉशिंगटन पेंसिल्वेनिया बेन शहरों में भी कोरोना वायरस बावजूद शहर इंसानियत की याद भरजाई अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन टाइम न्यूज़ सां गॾु आउं आहियां ताहिरा वज़ीर हेडलाइंस वठी अचूं तफ़सीली ख़बरूं शॉर्ट ब्रेक खां पोइ